चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में 6 जनवरी को एक नाबालिग युवक के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक घनश्याम का मुंह बोला भाई ही उसका हत्यारा निकला। पुलिस ने बताया कि 6 जनवरी को वो पतंग उड़ाने के लिए अचलपुरा स्कूल मैदान गया था, जो घर वापस नहीं लौटा, जिसकी तलाश करते हुए वह सरथला के पास अचेत अवस्था में मिला, जिसे अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए FSL की टीम मौके पर बुलाई और कॉल डिटेल्स के आधार पर संदिग्ध आरोपी विष्णुदास से गहनता से पूछताछ की, जिस पर उसने बताया कि उसने निकुंब निवासी कैलाश को भाई घनश्याम को मारने की सुपारी दी थी, जिस पर उसने उसके भाई को मार दिया। विष्णुदास वैष्णव को मृतक के पिता ने मुंह बोला बेटा बना रखा था, जिसकी नीयत में खोट आ गई। वह मृतक की बहन से शादी करके सारी जायदाद को हड़पना चाहता था, जिस पर उसने अपने मुंह बोले भाई को ही जान से मार दिया। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।